चलो यार बच्चों ध्यान दे दो। यस आई थिंक सारे बच्चे आ गए। यस बेटा श्रीजा, जो भी मैंने अभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो बताया वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन सभी और जीडीपीडी वाले बच्चों के लिए सभी के लिए सेम है ना, सभी के लिए मैं करवा के लेने वाला हूँ। ऐसा नहीं मैं अकेले इनको नहीं करवाऊंगा, जब भी करवाऊंगा तो मैं लाइव प्लेटफॉर्म पे आके ही करवाऊंगा बेटा। डन, आ जाओ, ध्यान देना बेटा सबने। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या क्या चीजें देख ली है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस है ना, सिंपल सी तीन स्टेप अप्लाई करके है ना। अब एक क्वेश्चन है ना, आज एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लूंगा, वो आपने सॉल्व करके बताना है, ठीक है, वो आपने सॉल्व करना है। चल ले तो मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दे, लिखो फटाफट से लिखना है बेटा, लिख दो। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्टली आपने क्या लिखना है बेटा, आंसर लिखना है। आपको जो नोट्स देने वाला था वो, आपको जो नोट्स देने वाला उसके अंदर में क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ बेटा मैं करवा देता हूं, नागेंद्र रिकैप भी करवा रहा हूं, डोंट वरी। हाँ ठीक है,
चलो देख रहे बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन आपके सामने है, ले बेटा, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी? डन। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन प्लीज ध्यान देना बेटा, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है, आप आपके बुक में लिखोगे, देखो बेटा, आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन वन, आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन वन। तो आपको जो नोट्स मिलेगी ना, उसके अंदर में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन वन है वो यही है। तो आपको क्वेश्चन वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सर नोट्स हार्ड कॉपी मिलेगी क्या? जी हाँ सर, उसके लिए कोई अलग से पैसे तो नहीं है ना? नहीं बेटा, ठीक है, चलो आ जाओ। सो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द बैलेंस। असर्टेन मीन्स पता लगाना, कैलकुलेट करना, टू फाइंड आउट, यस और नो। असर्ट द बैलेंस दैट वुड अपियर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31st December 11। क्या पूछा है बेटा यहाँ पे, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, जो बच्चे BRS में अब्सेंट है, तो बेटा आपने क्या करना है, शांति, रिलैक्स, और जो मैंने लेक्चर्स दिए है वो आपने 2-3 दिन देखना है। क्योंकि बताया था, जब भी आप किसी टॉपिक के अंदर में पहले 2-3 दिन में एक भी बार अब्सेंट रहते हो, तो वो टॉपिक आपके हाथ से गया। सो प्लीज़, जो बच्चे अब्सेंट है आपने वो लेक्चर देखना। मेरे ख्याल से जो 2-3 बच्चे अब्सेंट है उनको मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स दे दिया है, राइट? बरोबर है, देखा बेटा आपने, संडे आपके पास में था, आपने देखा। और जो बच्चे अब्सेंट है, आज उनके लिए गम भरा गाना, क्योंकि उनके लिए अभी इस चलती क्लास में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? क्योंकि अपने पास कोई ऐसी मैजिक स्टिक है कि आपको पढ़ाते पढ़ाते इधर आ बेटा तेरे दिमाग के अंदर में कॉर्ड डाल दिया, सारा डेटा ट्रांसफर हो गया, ऐसी कोई मैजिक स्टिक नहीं है। और जो बच्चे प्रेजेंट है, एकदम तूफान की रफ्तार से मेरे साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो अब्सेंट है उन्होंने अपने आप को कोसना है थोड़ी देर, कि गधा था मैं या गधी थी मैं जो मैं अब्सेंट थी, यस और नो। सो प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया है यहाँ पे बेटा, आप लोगों को पूछा गया है बेटा, आपको पासबुक का बैलेंस पूछा है। सो पहुंचना कहाँ है, पासबुक पे। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देयरफॉर स्टार्टिंग, वेरी गुड बेटा, चलो ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, है ना? जो अब्सेंट था वो सोच रहा होगा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या बोल रहे क्या मालूम, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, कब तक, जब तक तू लेक्चर नहीं देखेगा, यस और नो। आ जाओ, सो क्या दिया बेटा यहाँ पे देखना, बैंक ऑर्डर अप दे दिया आपको एज पर कैश बुक, कितना है 6340। ओडी बैलेंस दे दिया है बेटा, क्या दिया है आपको, ओडी बैलेंस, यस और नो। सो प्लीज ध्यान दे दो, इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 31st December 2011 इज 160 एंटर्ड इन पासबुक, ओके। मतलब क्या है बेटा, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया और उसका इफेक्ट कहाँ पे आया, सिर्फ पासबुक, मतलब अभी तक कैशबुक में नहीं आया। और वैसे बैंक वाले जब भी कुछ करेंगे तो कहाँ करेंगे, पासबुक, हम कुछ भी करेंगे तो कहाँ करेंगे, वेरी गुड बेटा, स्टार्ट करो, ट्राई करो, फटाफट से अभी के अभी सॉल्व करना है। क्या लिखोगे आप, आंसर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन, ऐसा लिखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बना रहे हो आप, 31st December 31st December 2011। देखो ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ए स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, चलो ट्राई करो।
सर आज का एक पहला वाला क्वेश्चन आप बता दो, उसके बाद हम करते हैं। वैसा है तो वैसा भी कर सकते हैं ना, जो अपसेंट है उनके लिए भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा ना, उनका भी। आ जाओ ध्यान देना। सो बेटा बैंक ओडी दिया हुआ है, ओडी कितना दिया बेटा कैश बुक का 6340। अच्छा सिंपल सा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की हमारी सिंपल सी स्टेप्स थी, आपको अगर याद आ रहा है तो क्या था बेटा। आ जाओ ध्यान देना। सो कैश बुक का ओडी बैलेंस दिया है तो यहां पे मैं लिख लूंगा 6340 माइनस का साइन। ओडी बैलेंस दिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ओडी बैलेंस को मैंने स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, माइनस। यस और नो, ओडी बैलेंस को क्या बोला बेटा, माइनस। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, ओडी बैलेंस दिया हुआ है। अगला पॉइंट पढ़ू क्या, इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2011 इज 160 एंटर्ड इन पासबुक। चलो देखो कितना इंस्टीट्यूट घुमा फिरा के आप लोगों को क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन ओडी फॉर 6 मंथ, है ना। यस और नो, हाँ बेटा सुयेश अग्रवाल, खुशी सिंगल, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी, इसी मंथ के अंदर में मिल जाएगी बेटा नोट्स, है ना, चिंता मत करना। आ जाओ ध्यान देना, दिन रात आपके नोट्स के लिए मेहनत चल रही है, कुछ तो अच्छी चीज आ रही है, डोंट वरी। हाँ सो इंटरेस्ट ऑन ओडी बैंक वालों ने चार्ज किया, वो 6 महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, अपने को क्या लेना देना, इस मंथ में इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो कितने भी ब्रेड का हो चार्ज किया इस मंथ में, बैंक वालों ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा, 160। बैंक वालों ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, 160, है ना। जो बच्चों का आज फर्स्ट डे है क्लास में या सेकेंड डे है, प्लीज एक बार लेक्चर होने के बाद में मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज देना, या फिर एक काम करना, जो मैंने बच्चों को उस दिन लिंक दिया था ना BRS का, वो एक बार लिंक दे देना इनको, है ना, और बेसिक का भी आपको देता हूँ। सो एक 2-3 लेक्चर आपको सिर्फ उतना देखना है हमारे साथ आने के लिए, बट जो बच्चों का आज फर्स्ट डे, उनका पहले का जो मिस हो गया वो भी मैं फिजिकली लाइव वापस पढ़ा दूंगा। सो आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी, सिर्फ मैं सेफर साइड आपको बैकअप दे करके रख रहा हूँ लेक्चर का। यस और नो, चलो आ जाओ ध्यान देना मुन्ना। सो यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा। इन्होंने बोला है कि पासबुक का बैलेंस आपको निकालना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, पहुंचना कहाँ है, पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, कर रहा है बैंक। कैश बुक में कौन एंट्री करते हैं, हम लोग। पासबुक में कौन करता है, बैंक। और कैश बुक का कितना बैलेंस दिया इन्होंने, ओडी बैलेंस दे दिया है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, माइनस 6340। पहुंचना कहां है, पासबुक पे। यस और नो, अब अगला पॉइंट मैंने पढ़ा, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया 160 रुपीज का, जो कि कहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पासबुक में। चल आ जा मुन्ना, चलो डांस करने के लिए तैयार, सब लोग ऐसे हाथ करो बेटे, सब लोग ऐसे हाथ करो, बोलो ये क्या है, कैश बुक, बोलो ना ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजिशन। चलो फर्स्ट स्टेप इक्वल था, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है बेटा, बैंक वालों ने 160 का इंटरेस्ट चार्ज किया। जो ऑनलाइन और रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा, आपने भी ऐसे करना है, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया। सो बैंक वाले जब भी हमारे अकाउंट में कुछ चार्ज करते तो हमारा ATM बैलेंस यानी लेफ्ट हैंड यानी बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक बढ़ता है या कम होता है, बैंक वालों ने चार्जेस लगाए तो लेफ्ट हैंड यानी पासबुक यानी ATM बैलेंस कम होगा क्या, ये कम हो गया, है ना, कैसे कम हो गया, यस और नो, बरोबर है। रूल नंबर 1, जब भी पासबुक में कोई डायरेक्ट एंट्री होती है तो उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है, दैट्स इट, गेम ओवर, न्यू पोजीशन आ गया, BRS टॉपिक खत्म, खत्म, यस और नो। अब बताओ थर्ड स्टेप क्या था, दो स्टेप हो गई ना, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लिखा था बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया, इसका इफेक्ट कहां पे है, सिर्फ पासबुक में, कैशबुक में नहीं है, इसलिए यही खड़ा है, दो स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, देख के बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सबको समझ में आया क्यों कैशबुक है, पक्का, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में पासबुक, तो कॉमन सेंस स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक। मुझे मुंबई पहुंचना है, मतलब मैं अभी कहां हूं, पुणे में, मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं मुझे पुणे पहुंचना है तो मैं कहां पे हूं, मुंबई में। सर नागपुर में भी तो हो सकते हैं, नो, हमारी दुनिया में दो ही है बस, कैशबुक और पासबुक। सो पासबुक पे पहुंचना है तो हम अभी कैशबुक पे है, कैशबुक पे पहुंचना है तो हम पासबुक, इस क्वेश्चन में पहुंचना है पासबुक पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, इसे हिलाना है, इसे एडजस्ट करना है, यस और नो, पहुंचना कहाँ है पासबुक, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या, अब ये हिलेगा नहीं तो इसी को नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना है तो क्या, माइनस। सो ये दूसरा पॉइंट है ना, इंटरेस्ट ऑन ओडी
कितना है बेटा, बस इतना लिखना है 160। ये देखो नीचे आ गए 160, यस और नो, क्लियर है ना? आपको क्या लिखना है आंसर में, बस ऐसे आंसर बुक में, क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन। तो आपको जो नोट्स मिलेगी उसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा, बराबर है? मैं देता हूं बेटा, मैं अभी आपको सारा लेक्चर वगैरह का भी बता दूंगा, लेक्चर कहाँ कब कैसे और नोट्स कब कैसे मिलेगी। आपके पास में सारा ब्लूप्रिंट रेडी हो जाएगा, उस दिन मिल जाएगा। मतलब आपको चिंता करने वाली बात नहीं सर, लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेगी। जो बच्चों का मिस हो गया उसके लिए मैं अरेंज करवा रहा हूँ, बाकी सभी ने लाइव यहाँ पे अटेंड करना है। जो बच्चों का मिस हो गया उनके लिए मैं अरेंज करवा देता हूँ, सो डोंट वरी। हाँ चलो आ जा बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, बैंक चार्जेस ₹30 आर डेबिटेड इन पासबुक। ओ हो, बैंक वालों ने ₹30 के चार्जेस लगाए, कहां पे डेबिट किए? अब ये बोलने की जरूरत थी क्या रे? बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहां करेंगे, पासबुक में। हम कुछ भी करेंगे तो कहां करेंगे, कैश। अच्छा, बैंक वालों ने पासबुक में क्या किया, डेबिट। रुको, चूल्हे में जान दो, कैश बुक में डेबिट याने बढ़ाना, उल्टा पासबुक में डेबिट करना है ने? सो पासबुक में डेबिट किया ने, पासबुक को क्या किया, कम। फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया। सो जब भी पासबुक में कोई एंट्री होती है उसका इफेक्ट डायरेक्टली, अगर कोई एंट्री हुई पासबुक में तो उसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है। और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेबिटेड इन पासबुक ओनली, मतलब इसका इफेक्ट कैशबुक में नहीं आया। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, इसका इफेक्ट सिर्फ पासबुक में आया, कैशबुक में नहीं आया, कैशबुक में नहीं आया इसलिए कैशबुक यहीं खड़ा है। दो स्टेप खत्म, रुको। थर्ड स्टेप क्या था, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। पहुंचना कहां है, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये क्या करेंगे, लेस। मेरा वादा है इससे आसान बीआरएस आपका कभी नहीं रहेगा। जो बच्चों ने इधर उधर देखा होगा, पढ़ा सुना होगा, उनको शायद फील हो रहा होगा, अरे यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, यस और नो, बोलो कितना लेस करना है। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बोलो तो, बैंक चार्जेस हर टॉपिक इतना आसान है, बस एक बार कनेक्शन होने की देरी है और थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा पागलपन करना पड़ता है। तो पागलपन किया तो वो चीज़ क्या, जल्दी कनेक्ट हो जाती है आज के तारीख में, है ना? सो बैंक चार्जेस, चार्ज ₹30 लेस है ना। ये देखो सर, ये जो नरेशन आप लिख रहे शॉर्टकट में लिखा चलेगा, लिखो ना शॉर्टकट में, किसने बोला एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन का, है ना? उसके बाद चेक इशूड बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31st December। हम लोग ये किस दिन बना रहे बीआरएस, 31st December को। हमने चेक इशू तो कर दिया बट सामने वाले गधे ने अभी तक उसे इनकैश नहीं किया। जिस पार्टी को मैंने चेक इशू किया था उसने अभी तक वो चेक इनकैश्ड नहीं किया। सीधा बोलो ना, वो चेक क्लियर नहीं हुआ अभी तक। आगे 31st बीआरएस के डेट तक वो क्लियर नहीं हुआ। कितने का चेक था, 1168। सो आसान भाषा में क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर। चलो फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो। चेक इशूड हमने किया या बैंक ने किया, हमने किया तो हम कुछ भी करेंगे तो कहां करेंगे, चेक इशू किया तो कैशबुक बढ़ता है कम होता है, वेरी गुड मेरे बच्चों, कैशबुक कम। बट वो चेक अभी तक क्लियर हुआ है क्या, तो बोलो ये हिलेगा क्या, ये तो यहीं खड़ा रहेगा ना। अगर क्लियर हो जाता था तो एटीएम बैलेंस भी ये कम हो जाता था, यस और नो, बट क्लियर हुआ है क्या, नो। फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ो, चेक इशूड बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ, आ गया बेटा न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। पहुंचना कहां है, फिक्स करो, ऐड करो, जोश देख रहे हो तुम, चेक, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन में, अब्सेंट रहने के बाद में भी अपन ने ये दुनिया वालों को दिखाना है कि सर जो तुम अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना, मेरे को सब आता है। हम पूछेंगे उसे एक दो सवाल। सो चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर्ड, नहीं, वेरी गुड, अच्छी बात है। सो क्या था बेटा, चेक इशूड बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो प्लस 1168, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आप नेक्स्ट टाइम से अब्सेंट रहो, बिल्कुल अब्सेंट नहीं रहे, फॉर वॉट एवर द रीजन। मतलब मैं आपको जबरदस्ती सबके हमने रीजन नहीं पूछूंगा, मेरे पास उतना अधिकार नहीं है रीजन पूछने का,
बट कोशिश करो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि वो वैलिड रीजन था कि एब्सेंट रहना या नहीं था. आपने डिसाइड करना है सुमोटो यानी खुद से. लॉ में है ना टर्म एक सुमोटो यानी खुद से, यस और नो. तो खुद से डिसाइड करो और एब्सेंट मत रहो. देखो आपका एग्जाम तो क्या अभी दो से तीन महीने में अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी. और सिलेबस रिवीजन होने के बाद आपका तुरंत मेरे ख्याल से आई थिंक नवंबर दिसंबर में एग्जाम है ना, कमिंग दिसंबर में एग्जाम है ना, है ना. तो सिलेबस रिवीजन भी हो जाएगा अपना दो तीन महीने में. तो अब सोचो तीन चार महीने में आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, इंटर्न पहुंच जाओगे. एक छोटी सी गलती अगर ये इस बार क्लियर नहीं हुआ तो डायरेक्ट बात कहाँ चलेगी, जून 23 की, यस और नो. छः महीने आगे चला जाएगा ना. गलती एक दो दिन की, एक दो दिन के मजे हो जाएगी अभी क्लास, अब छुट्टी मारोगे एक दो दिन के मजे, बट उसकी सजा कितनी है, 6 महीने. उसकी सजा 6 महीने की. तो एकदम ऐसा चिकाटी के साथ रहना कि मेरा एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से आपने रहना है. क्योंकि आपका एक लेक्चर मिस हो गया मतलब वो एक लेक्चर रिकवर करते करते नाक में दम हो जाता है. 10-10, 15-15 एक 15 दिन 1-1 महीने तक वो लेक्चर का छूटा हुआ पोर्शन कवर अप नहीं होता है ना. तो वो पार्ट लाइफ टाइम टफ लगता है. बचपन में किसी ने 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप का रिटायरमेंट अगर अब्सेंट रहा होगा तो आज भी उसको पार्टनरशिप के रिटायरमेंट से डर लगता है. बचपन में किसी ने अलजेब्रा में कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में अगर छुट्टी मारी होगी तो आज भी उसको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड डेली के अंदर में आज भी तकलीफ आती है. मतलब सोचो बचपन की वो एक गलती 8th स्टैंडर्ड की 5-6 साल पहले की, उसकी सजा आप लाइफ टाइम भुगतोगे, यस और नो. जब तक कि आप फिर से उस चीज को नहीं पढ़ते. इसीलिए मैथ्स का फियर और फोबिया हो जाता है बहुत सारे लोगों को, है ना, नंबर नंबर में. तो वैसा मत करो. तो ऐसा कोई ऊपर वाला ऐसा एकदम अपलोड करके भेजता है क्या मैथ्स का वायरस हो, इसको मैथ्स का फोबिया होगा, नो. वो सब हम लोग खुद करते हैं, वो हमारी गलती है, यस और नो. ऊपर वाला सबका दिमाग एक जैसे ही करके भेजता है ना, उसके बाद उसको हम लोग कैसे नरिश करते हैं वो हमारे हाथ में. तो प्लीज एब्सेंट मत रहो, आ जाओ. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो चेक्स पेड इन टू बैंक. पेड इन टू बैंक का मतलब क्या होता है, होशियार बच्चा साइड में लिख करके रख लेगा. चेक पेड इन टू बैंक का मतलब है चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक. चेक पेड इन टू बैंक का मतलब क्या है बेटा, चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक. आगे क्या लिखा है देखो, चेक पेड इन टू बैंक का मतलब है चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक. चेक डिपॉजिट हम लोग कब करेंगे, जब हमारे पास चेक आएगा, मतलब चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, मतलब चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड. सिंपल, चेक डिपॉजिटेड मतलब चेक को पहरे के अपने आप चला जाता है क्या, चेक हमारे पास आया होगा और हमने डिपॉजिट किया होगा. लिख लिया है आपने, अब पढ़ते वापस. सो चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 31st दिसंबर. जिस दिन हम लोग BRS बना रहे हैं उस दिन तक चेक क्लियर ही नहीं हुआ. डिपॉजिट कर दिया था क्या, रिसीव हो गया, डिपॉजिट कर दिया. सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैशबुक बढ़ गया क्या. चेक डिपॉजिट किया मतलब चेक रिसीव किया होगा. चेक मिला तो हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट. हमने बैंक अकाउंट डेबिट लिखा मतलब कहाँ लिखा होगा, पासबुक में, बैंक में घुस के पासबुक में या कैशबुक में, कैश. और कैशबुक में बैंक अकाउंट डेबिट किया ने कैशबुक को बढ़ा दिया, क्योंकि कैशबुक में डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल था ना. सो चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, कैशबुक बढ़ गया. अरे यार, पर वो चेक क्लियर हुआ है क्या, तो ये यहीं रहेगा क्या. क्लियर हो जाता था तो ये भी बढ़ जाता था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ. एक बार फिर से, फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकंड स्टेप, इन्फॉर्मेशन पढ़ो, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, गेम ओवर. बोलो स्टार्टिंग पॉइंट, कैशबुक पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो जाए, कुछ नहीं, जीरो. हाँ, डिफरेंस ही नहीं ना, इसलिए मैं बोला प्रेजेंट रहो, क्योंकि ये चीज मैंने 2-3 बार बोली थी ना बच्चों. ले हो, मैं सवाल पूछू उससे पहले उसने ही सवाल पूछ लिया, यस और नो. सो दोनों इक्वल रहे तो बाकी बच्चे बोलो क्या करना है, दोनों इक्वल रहे तो कुछ नहीं. देख बाकी बच्चों ने जवाब दिया. सो अगर तुझे कोई डाउट आता है तो बाकी सारे बच्चे BRS टॉपिक में तेरे से 2 कदम आगे है, तो तू बिल्कुल उनसे पूछ सकती है, क्योंकि तू अब्सेंट है. थैंक यू, चलो आ जाओ. सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, ठीक है. सो देखो बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट क्लियर ही नहीं हुआ, आगे न्यू पोजिशन.
स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो लेस करो. सो 2170 लास्ट वाला. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड इन पासबुक. बैंक वालों ने कलेक्ट किया तो आगे बोलने की जरूरत नहीं थी कि पासबुक में डाला. कॉमन सेंस, बैंक वालों ने कलेक्ट किया तो बैंक वाले हमारे घर में घुस के कैशबुक में डालेंगे क्या? बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो कहां करेंगे? सो आधा भी लिखा रहता तो भी हम तो होशियार बच्चे, हमें पता रहता था बैंक वालों ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो. अच्छा, बैंक वाले जब भी मेरे लिए कोई पैसा कलेक्ट करते हैं तो मेरा एटीएम बैलेंस बढ़ जाता है. बैंक वाले जब भी मेरे बिहाफ में कुछ पे करते हैं तो मेरा एटीएम बैलेंस कम. सो बैंक वालों ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया तो पासबुक बढ़ गया, बरोबर है क्या? पासबुक में क्रेडिट कर दिया. देखो, आप मेरे अकाउंट में पैसा डालोगे तो मुझे मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड. चेक करना है किसी को? अच्छा, मालूम है ना सभी को? या फिर उल्टा, कैशबुक में डेबिट यानी बढ़ना, उल्टा उल्टा, पासबुक में क्रेडिट यानी बढ़ना. देखो, पासबुक क्रेडिट हुआ है क्या? यस और नो? सो बैंक वालों ने पैसा कलेक्ट किया, पासबुक बढ़ गया, बरोबर है क्या? डायरेक्ट एंट्री हुई पासबुक में, इसका इफेक्ट कैशबुक में पेंडिंग है. दैट्स इट, गेम ओवर. बोलो थर्ड स्टेप क्या थी? स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो. स्टार्टिंग पॉइंट क्या बेटा? कैशबुक पहुंचना है, फिक्स करो. अब ये तो फिक्स है, ये नीचे नहीं आएगा, इसी को ऊपर लाना है. ऐड करो. सो बोलो बेटा, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 1200, बी बैलेंस एज पर पासबुक. कितना है? फटाफट से कैलकुलेटर लो और करो. 6348 ये आ गया पासबुक का बैलेंस. चेक करो तो 6348 नहीं रहा बेटा, आपने कैलकुलेशन कुछ तो गड़बड़ किया. 1168 है वो, 160 1168 30, इतना ना चाहिए 6332. करो. अब कैलकुलेटर कैसे यूज करना है वो सिखाऊं मैं? आ जाओ, 6340 माइनस में है -160 -30 +1168 -2170 +1200 6332 माइनस ना 6332 क्या बात कर रहे हो? लो चेक करो, -6340 किया, चेक, -160 किया, करते जाओ साथ साथ में, -30 किया, +1168 किया, बराबर है क्या? -2170 किया, -2170 किया, +1200 किया, है? ये क्या है रे, देख रहे बेटा? मतलब सच में आप सब लोग कैलकुलेटर का बटन दबा रहे हो ठीक से? 6332 ना? मैं आज ही डिग्री फाड़ के फेंक देता घर जाके. 6332 माइनस ना, क्या आया? ओडी बैलेंस माइनस है ना, ये देखो चेक करो तो. बट इसके अंदर में आपको इनका ऐड अपना लेस दिखेगा और अपना लेस इनका ऐड रहेगा, बरोबर है क्या? सर ऐसा क्यों उल्टा? छोड़ो ना, इन्होंने रूल को उल्टा कर दिया हर बार. मतलब ओडी बैलेंस आता है तो ये किताब वाले क्या करते मालूम है? रूल उल्टा कर देते. बट अपने को अपना रूल कभी भी उल्टा करने की जरूरत नहीं है. आंसर आ रहा है ना, बरोबर है? क्लियर, पक्की बात? सर कैसे भी क्या चलता है ना, इनका भी सही है अपना भी सही है, आंसर हर बार मैच होगा. सर आपने ट्राई किया ना बेटा? कम से कम 10,000 क्वेश्चन है ना, चिंता मत करना, ट्राई किया भाई, अपना रूल प्रूवन है. चलो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये है आपका आज का होमवर्क. अब सवाल ये है, ओके थैंक यू सो मच नागेंद्र, थैंक यू यार, थैंक यू. यस 6332 आ जाओ. अच्छा अब देखो,
ये आज का होमवर्क है, आपके पास क्वेश्चन नहीं है, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? ये नोट्स में दिया रहेगा, क्वेश्चन वापस मत लिखना। आप कैसे लिखोगे आंसर इसका? आप इसका आंसर कैसे लिखोगे बेटा? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू, बरोबर है क्या? बीआरएस टॉपिक, बीआरएस टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर टू। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, आप स्क्रीनशॉट मत निकालना, आपका ऐप बंद हो जाएगा, वरना सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट होगा, ठीक है? आपने क्या करना है बेटा, किसी दूसरे फोन से इसको ये कर लेना, दूसरे फोन से फोटो निकाल लो, घर पे अगर और किसी का फोन होगा तो, और नहीं भी निकाला होगा तो भी इट्स ओके, कल मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। अच्छा, अब कौन बच्चे ऐसे जिनका फर्स्ट और सेकेंड डे बेटा आज? ओके, और एक दो तीन चार, और कोई फर्स्ट सेकेंड डे? आपका भी फर्स्ट सेकेंड डे आज? हाँ, एकदम न्यू। अच्छा, बी आर एस टॉपिक में फर्स्ट सेकेंड डे? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, सेकेंड डे, ठीक है। अब एक काम करना, ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, जो बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन है, हाँ बेटा व्हाट्सएप पे सेंड करवा देता हूँ, आप मेरे को प्लीज एक बार हाई भेज दो, मैं व्हाट्सएप पे आपको एक क्वेश्चन भेज देता हूँ, और फिर जो बच्चों का फर्स्ट सेकेंड डे उनका क्या करना है मैं बता देता हूँ, है ना? चिंता मत करो। ठीक है, सुनो सुनो, जो बच्चों का आज फर्स्ट सेकेंड डे है, उन्होंने क्या करना, मुझे इस नंबर पे सिर्फ इतना लिख के भेज देना, आपका नाम और CMA फाउंडेशन, है ना? आपका नाम और CMA फाउंडेशन, और आपका बेसिक अगर बाकी होगा, देखो बेटा ए मुन्ना सुनो, आपका नाम और CMA फाउंडेशन लिख देना, और अगर आपका बेसिक बाकी होगा तो लिख देना बेसिक, आपका BRS बाकी होगा तो लिख देना BRS, दोनों बाकी होगा तो दोनों लिख देना, दोनों में से कोई एक बाकी होगा तो एक लिख देना, जो आपका बाकी है मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसका वो लेक्चर देख पाओगे। अब जो बच्चों का आज फर्स्ट डे, सर मी तो फेस टू फेस क्लास साठी एडमिशन घेतली, बरोबर है, तो ये मेरा वापस होगा ना? हाँ बेटा, ये तुम्हारा वापस होगा, क्योंकि हम लोग अभी एडमिशन दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग वो सारी चीजें वापस बताएंगे, बट आपको अलग टाइम पे बिठा करके कैसे करना है वो हमारा टेंशन है, बट सिर्फ आप पीछे नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको फॉर द टाइमिंग इन दोनों का बैकअप दे रहा हूँ। बेसिक मतलब ये अपने CMA फाउंडेशन का नहीं, ये आपके 11th 12th वाला बेसिक है जो मैंने बताया, सो आपका इफेक्टिवली BRS टॉपिक के पहले दो तीन लेक्चर है, राइट? तो वो मैं आपको दे दूंगा। आपको क्लियर हुआ क्या करना है? समझ में आया सभी को? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे इस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, और व्हाट्सएप पे नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया हो, सब बढ़िया है, ठीक है? सो आपका ये डाउट रहेगा, नहीं मैं रीजन बता रहा हूँ, नहीं मुझे अच्छा लगता है, बच्चे मुझे मैसेज भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बुरा किसको लगेगा यार, है ना? सिर्फ इतना है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता उसका बुरा लगता है, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं उसका बुरा लगता है, इस कारण से मैं आप लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, कि आप लोगों ने मैसेज भेजा तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती ना कि यार मैंने सर को इतना प्यारा मैसेज लिख के भेजा, सर का रिप्लाई भी नहीं आया, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, उस चीज का बुरा लगता है, आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये आप इतना भेज देना, अब ये इसका मतलब क्या मालूम है क्या? हाँ, ये इसी नंबर भेज देना, ये मेरे पास रहता है, अब वहां पे जाते मैं स्टाफ को दे दूंगा, उसको बोल दूंगा ऐसा जिस जिसका आया, जिस बच्चे ने लिखा बेसिक उसको बेसिक की लिंक दे दे, जिस बच्चे ने लिखा BRS उसको BRS की लिंक दे दे, जिस बच्चे ने दोनों भी लिखा उसको दोनों का लिंक दे दे, यस और नो, तो उत्तर आपको मिल जाएगा, और बाकी मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीन ऊपर ले लिया बेटा, क्वेश्चन लिखो मत, क्वेश्चन लिखो मत ऑनलाइन वाले, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम पास हो जाएगा, है ना? आप मुझे ऐप भेज देना, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ये वाला मैंने फोटो निकाल लिया। डन, चलो, थैंक यू वेरी मच यार, लव यू ऑल बच्चों, टेक केयर, बाय बाय बाय।